हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की कंप्यूटर नेटवर्क में, एंड दैट इज़ कॉल्ड नेटवर्क सिक्योरिटी। देखिए, जब भी किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क को आप यूज़ कर रहे हैं या आपके कंप्यूटर जो है नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, तो उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना मीन्स कि उनके अंदर जो भी डेटा, इंफॉर्मेशन, फाइल वगैरह स्टोर है, उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है? तो देखिए, नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या होता है कि जो नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं वो दोनों तरह के होते हैं, पब्लिक नेटवर्क भी होते हैं और प्राइवेट भी होते हैं। दैट आर यूज एवरी डे टू कंडक्ट ट्रांजेक्शन एंड कम्युनिकेशन एमॉन्ग बिजनेसेस, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड इंडिविजुअल्स। द नेटवर्क्स आर कंप्राइज ऑफ नोड्स विच आर क्लाइंट टर्मिनल्स एंड वन और मोर सर्वर्स एंड और हॉस्ट कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या होता है वो तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक कंप्यूटर है, हॉस्ट कंप्यूटर है, ठीक है, और इसके साथ ये जो है सारे क्लाइंट कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये मान लीजिए क्लाइंट कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, ठीक है, दे आर क्लाइंट्स। तो अब ये जो नेटवर्क है ये पब्लिक भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है। दे आर लिंक्ड बाय कम्युनिकेशन सिस्टम, सम ऑफ विच मे बी प्राइवेट सच एज विद इन ए कंपनी, एंड सम ऑफ देम आर ओपन टू पब्लिक एक्सेस। द ऑब्वियस एग्जाम्पल ऑफ ए नेटवर्क सिस्टम दैट इज ओपन टू पब्लिक एक्सेस इज द इंटरनेट। तो अब ये जो कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, ये जो इनके जुड़ने का जो माध्यम है वो प्राइवेट भी हो सकता है, मतलब कि किसी कंपनी की अपनी लीज लाइन भी हो सकती है, और या फिर वो नॉर्मल जैसे टेलीफोन लाइन्स भी हो सकती हैं जो दैट इज ओपन टू ऑल, ठीक है। तो जैसे इंटरनेट है तो इंटरनेट पर जो भी जुड़े रहते हैं कंप्यूटर वो सब पब्लिक लाइन ही यूज़ करते हैं, ठीक है। मोस्ट कंपनीज हॉस्ट कंप्यूटर्स कैन बी एक्सेस बाय दियर एम्प्लॉयज वेदर इन दियर ऑफिस ओवर ए प्राइवेट कम्युनिकेशन नेटवर्क और फ्रॉम दियर होम और होटल रूम्स वाइल ऑन द रोड थ्रू नॉर्मल टेलीफोन लाइन्स। तो आज के समय में देखिए जो वर्किंग कल्चर है वो इस तरह का हो गया है कि जो कंपनी का कंप्यूटर है उसको उसका एम्प्लॉय, अगर मान लीजिए वो कंपनी के कैंपस के अंदर है, ऑफिस के अंदर है, तब तो वो ठीक है, प्राइवेट लाइन यूज़ करके उसको एक्सेस कर लेगा। लेकिन वो अगर अपने घर पे है या होटल में है या ड्यूरिंग ट्रैवलिंग है, तो भी वो उसको जब एक्सेस करेगा तो वो थ्रू कैसे करेगा, थ्रू इंटरनेट करेगा, ठीक है। तो थ्रू इंटरनेट करेगा और इंटरनेट ये लाइन क्या होगी, ये पब्लिक लाइन होगी। जब पब्लिक लाइन होगी तो यहाँ पे इतनी सेफ्टी नहीं होगी। तो नेटवर्क सिक्योरिटी इन्वॉल्व्स ऑल एक्टिविटीज दैट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्राइजेज एंड इंस्टीट्यूशन अंडरटेक टू प्रोटेक्ट द वैल्यू एंड ऑनगोइंग यूजेबिलिटी ऑफ एसेट्स एंड द इंटीग्रिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन। तो नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। किसी भी नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर हम डील करते हैं इन सारी चीज़ों से। पहला क्या हो गया, ऑल एक्टिविटीज दैट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्राइज एंड इंस्टीट्यूशन अंडरटेक टू प्रोटेक्ट द वैल्यू, ठीक है, एंड ऑनगोइंग यूजेबिलिटी ऑफ एसेट्स एंड द इंटीग्रिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन। एन इफेक्टिव नेटवर्क सिक्योरिटी स्ट्रेटजी रिक्वायर्स आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स। तो नेटवर्क सिक्योरिटी हम क्या करते हैं, पहले तो जो जहाँ से दिक्कत हो सकती है हमको, हम थ्रेट्स को, जो भी थ्रेट्स हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और इनको ओवरकम करने के लिए जो भी मोस्ट इफेक्टिव टूल्स हैं, मोस्ट इफेक्टिव टूल्स अवेलेबल हैं, उनका हम इंतजाम करते हैं ताकि इन थ्रेट्स के ऊपर काबू पाया जा सके, ठीक। अब अगर हम थ्रेट्स की बात करेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए, तो जो नेटवर्क थ्रेट्स होते हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं। जैसे अगर हम इसको बात करें नेटवर्क थ्रेट्स, मतलब नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए क्या क्या चीज़ें दिक्कत कर सकती हैं। तो अब इसमें जो पहला है, पहला तो क्या है आपका, वायरसेस। अच्छा, वायरस क्या होते हैं, पहली चीज़ तो आप ये ध्यान रखिएगा और ये जान जाइए कि वायरस नाम तो हमने ऐसे वायरस दिया हुआ है, लेकिन वायरस भी क्या होते हैं, वायरस भी एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम ही होते हैं, ठीक है, कोई फिजिकल चीज़ नहीं होती है ये। दे आर कंप्यूटर प्रोग्राम्स रिटन बाई वेरियस प्रोग्रामर्स एंड डिजाइन टू रेप्लीकेट देमसेल्व एंड इन्फेक्ट कंप्यूटर्स वेन ट्रिगर्ड बाई ए स्पेसिफिक इवेंट।
वायरस क्या होते हैं? ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं, दे आर प्रोग्राम, वो स्पेशली डेवलप किए जाते हैं बाय द प्रोग्रामर। किस लिए? एक तो वो अपने को रेप्लिकेट करते रहते हैं, मतलब टाइम के साथ साथ वो अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं, और दूसरा क्या होता है, जिस कंप्यूटर में ये एंटर कराए जाते हैं, जिसको हम वायरस बोलते हैं, इन प्रोग्राम्स को जिस कंप्यूटर में आप एंटर करा देंगे, वो उस कंप्यूटर को डिस्टर्ब कर देंगे, उसी को बोलते हैं इन्फेक्ट कर देंगे, ठीक है, इन्फेक्शन कर देंगे। और ये कब करते हैं? जब कोई पर्टिकुलर इवेंट ट्रिगर्ड बाय ए ट्रिगर्ड बाय ए पर्टिकुलर इवेंट, पर्टिकुलर इवेंट मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे हमने एक कंप्यूटर वायरस किसी के कंप्यूटर के अंदर हमने उसको विंडो एक्सप्लोरर में हमने इंजेक्ट करा दिया, विंडो एक्सप्लोरर में हमने उसको छुपा दिया, इंसर्ट करा दिया, तो जब जब वो व्यक्ति विंडो एक्सप्लोरर खोलेगा उतने टाइम्स वो वायरस अपने को रेप्लिकेट करेंगे, और धीरे धीरे करते करते एक टाइम ऐसा आएगा पूरे कंप्यूटर को वो इन्फेक्ट करके डंप कर देंगे। तो ये होते हैं वायरसेस। दूसरा जो थ्रेट है वो है ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम, दूसरा जो है वो है ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम्स। ये क्या होते हैं? डिलीवरी व्हीकल्स फॉर डिस्ट्रक्टिव कोड विच अपीयर टू बी हार्मलेस और यूजफुल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सच एज गेम्स। अब ये जो ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम होते हैं, ये डिस्ट्रक्टिव कोड, इसके अंदर ऐसे कोड लिखे रहते हैं जो कंप्यूटर को डिस्टर्ब कर देते हैं, तो दे कंटेन्स डिस्ट्रक्टिव कोड, और देखने में वो ऐसे लगते हैं जैसे कि कोई दिक्कत नहीं है उनसे, दे लुक्स लाइक हार्मलेस इवन, और यू कैन से यूजफुल सॉफ्टवेयर। उसी धोखे में आदमी इनको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेता है और बस फिर उसके बाद कंप्यूटर इन्फेक्ट हो जाता है। तीसरा क्या है? वंडल्स, ठीक है, वंडल्स क्या होते हैं? दे आर ऑल्सो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और एपलेट्स दैट कॉज डिस्ट्रक्शन, ठीक। चौथा है अटैक्स। अब अटैक्स क्या होता है? अटैक्स में क्या होता है कि इंक्लूडिंग रिकॉनिजेंस अटैक्स, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, अटैक का मतलब होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक्टिविटीज टू कलेक्ट डेटा दैट इज लेटर यूज टू कॉम्प्रोमाइज नेटवर्क। अटैक का मतलब ये होता है कि किसी कंप्यूटर नेटवर्क पे हम कोई जो प्रोग्रामर है या कोई भी जो अटैकर है वो अटैक करता है और उस कंप्यूटर नेटवर्क के रिगार्डिंग सारी डेटा अपने पास वो कलेक्ट कर लेता है, और कलेक्ट करने के बाद फिर वो क्या करता है कि लेटर ऑन उसको इस तरह यूज करता है कि कंप्यूटर नेटवर्क को वो कॉम्प्रोमाइज पे ला देता है, ठीक है, उसका कोई सेक्टर नहीं काम करेगा, उसकी कोई फंक्शनिंग नहीं काम करेगी, तो दैट इज कॉल्ड अटैक। एक्सेस अटैक्स, ठीक है, विच एक्सप्लॉइट्स नेटवर्क डेटा वल्नरेबिलिटी इन ऑर्डर टू गेन एंट्री टू ईमेल डाटाबेसेस और द कॉरपोरेट नेटवर्क एंड डेली, यानी कि अटैक भी आपके कई तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो हो गया आपका क्या? रिकॉनिजेंस अटैक, एक हो गया आपका री कॉनिजेंस अटैक, ठीक है। ये क्या करता है? ये अटैक होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक्टिविटीज टू कलेक्ट डेटा दैट इज लेटर यूज टू कॉम्प्रोमाइज नेटवर्क, ठीक है, ये तो हो गया रिकॉनिजेंस अटैक। दूसरे टाइप का जो होता है वो कहलाता है एक्सेस अटैक। एक्सेस अटैक, इसमें क्या होता है? दिस अटैक एक्सप्लॉइट्स नेटवर्क वल्नरेबिलिटी इन ऑर्डर टू गेन एंट्री टू ईमेल डेटाबेसेस और द कॉरपोरेट नेटवर्क, तो ये एक्सेस को कंट्रोल कर देता है। और तीसरा जो है आपका वो कहलाता है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, इस तरह के अटैक में क्या होता है कि विच प्रिवेंट एक्सेस टू पार्ट और ऑल ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, मतलब ये तो डेटास को, ये इंफॉर्मेशन गैदर करता है, बाद में कंप्यूटर को एक तरह से ब्लैकमेल करता है या कॉम्प्रोमाइज करा देता है किसी पर्टिकुलर काम के लिए।
एक्सेस अटैक क्या करता है, वो ईमेल को, डेटाबेस को, फाइलों को ब्लॉक कर देगा, और जब तक आप उनकी जो है कंडीशंस को फुलफिल ना करिए आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तीसरा है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, ये क्या करता है कि कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ पार्ट को या पूरे कंप्यूटर नेटवर्क को ही जाम कर देता है। तो ये तीन तरह के अटैक्स होते हैं। अब आ जाइए, ये चार थ्रेट हो गई। पांचवा है डेटा इंटरसेप्शन, डेटा इंटरसेप्शन। इसमें क्या होता है, इसको डाटा डेटा को इंटरसेप्ट कर लेते हैं बीच में से। इट इन्वॉल्व्स ईव्स ड्रॉपिंग ऑन कम्युनिकेशंस और अल्टरिंग डेटा पैकेट्स बीइंग ट्रांसमिटेड। डाटा इंटरसेप्शन में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कंप्यूटर नेटवर्क में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को आपने डेटा भेजा है, तो बीच में ही उसको इंटरसेप्ट कर लिया जाता है, तो या तो उसके डेटा पैकेट्स को या इंफॉर्मेशन को चेंज कर देते हैं, या पूरा का पूरा वो गायब ही कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड डेटा इंटरसेप्शन। और लास्ट क्या है आपका थ्रेट्स में, सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग, इसमें क्या होता है कि ऑब्टेनिंग कॉन्फिडेंशियल नेटवर्क सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन थ्रू नॉन टेक्निकल मीन्स सच एज पॉजिंग ए टेक्निकल सपोर्ट पर्सन एंड आस्किंग फॉर पीपुल्स पासवर्ड। तो सोशल इंजीनियरिंग मतलब जहाँ पे मान के चलिए ह्यूमन इंटरवेंशन होगा। अब मान लीजिए किसी, ये कंप्यूटर नेटवर्क है, इसमें कई कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। अब इस कंप्यूटर पे बैठने वाला जो आदमी है, ठीक है, या इस कंप्यूटर पे जो बैठने वाला आदमी है, उसको हमने सेटिंग कर ली या उससे ट्यूनिंग कर ली, या उसको कोई लालच दे के, भय दिखा के, उसको हमने सेट कर लिया कि भाई भाई बाकी और सबके हमें पासवर्ड वगैरह वो सारी जो भी आपकी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है वो सब ये आदमी दूसरे को दे देगा। तो वो थ्रेट हो गया सोशल इंजीनियरिंग का। तो आज के समय में देखिए, आपको मालूम है कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ भी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, और ऑलमोस्ट सब जगह कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ हो रहा है। लेकिन उसी के साथ आप देख रहे हैं साइबर क्राइम्स भी इसीलिए बढ़ते जा रहे हैं कि ये जो जो थ्रेट्स की हम लोगों ने बात की, वायरस, ट्रोजन हॉर्स, वंडल्स, अटैक्स, डेटा इंटरसेप्शन और सोशल इंजीनियरिंग, इन 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 थ्रेट्स को ओवरकम करने के लिए आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। देन ओनली यू कैन यूज योर कंप्यूटर नेटवर्क फ्रीली एंड फ्रिक्वेंटली। तो ये जो पांचों छह हमने आपको बताया, दीज आर द मेन कॉज या मेन टाइप्स ऑफ नेटवर्क थ्रेट्स। अब इनको कैसे ओवरकम करते हैं या क्या सिक्योरिटी टूल्स हम यूज करते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डाली जाए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।